सलाम नमस्ते, वेलकम टू द एपिक लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कायद। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, दिस इज अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पेयर्ड ड्राइविंग इन कैनेडा एंड द कॉन्सिक्वेंसेज। 17 अक्टूबर 2018 और 18 दिसंबर 2018 को कैनाबिस रिलेटेड लॉज में कैनेडा ने काफ़ी चेंज करा है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट मे अफेक्ट द पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम हियर on the PR, work permit, temporary visitor visa और study permit। अगर आप किसी भी तरह की impaired driving में पाए जाते हैं, guilty पाए जाते हैं, तो आपको jail, तो खैर बात की बात है, fine बात की बात है, आपका PR का जो status है that will be cancelled, that will be revoked। अगर आप student हैं, आपको study permit आपका cancel हो के आपको वापस आपके कंट्री भेजा जाएगा और आप वापस नहीं आ सकते। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द वर्क परमिट एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द टेम्प्ररी विजिटर वीज़ा। अगर आप किसी भी तरह की वीज़ा लेके आए हैं कनाडा में, चाहे वो स्टूडेंट हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, या चाहे आप कैनेडियन PR हो, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री से आए हैं या किसी भी तरीके से PR हैं आप, और अगर आप इम्पेयर्ड ड्राइविंग में पाए जाते हैं, इम्पेयर्ड ड्राइविंग में बता दूं, If you are driving under influence of alcohol or if you are driving under influence of marijuana, marijuana is cannabis, जिसको हिंदी में चरस बोलते हैं। ये चीज़ कनाडा में लीगल हो गई है, लेकिन लीगल होने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं लॉस को कि if you are found guilty of driving under the influence of alcohol or driving under the influence of cannabis, serious penalties। इसमें सज़ा 5 से 10 साल की भी है, डिपेंडिंग क्या किस तरह का वो सीरियस, किस कंसंट्रेशन वाला आपने इंटॉक्सिकेशन करके रखा है। बट प्लीज़, PR स्टेटस, स्टडी, विजिटर और वर्क परमिट, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, पूरा ख़त्म करके आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। And this law is in effect since 18th December 2018 and they are very serious about it। किसी भी तरह का कोई लॉयर काम में नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई पैसा काम में नहीं आएगा, सीधा आपको हाथ धोना पड़ सकता है आपकी PR स्टेटस से, विजिटर स्टेटस से, स्टूडेंट स्टेटस से या वर्क परमिट स्टेटस से। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द एपिक लाइफ। मैं आगे और नया कंटेंट लाऊंगा। प्लीज़ अगर आपको किसी भी तरह के कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, चाहे वो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री 2009 हो, 2019 के लिए हो, अगर आपको एज अ PR जाना है, प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए, या स्टडी परमिट के लिए आपको हेल्प चाहिए, या वर्क परमिट के लिए आपको हेल्प चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल, प्लस मैं लिंक में भी मेरा ईमेल डाल रहा हूँ, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प। And the charges, the fees applies, like I will mention in the description box. So, thank you very much, friends, and you have a great day ahead. Bye-bye.